यूपी में तमाम सीटें हैं उन पर जो जनता है अपना वोट करेगी, वोट की चोट जनता कैसे करेगी, कैसा प्रत्याशी चुनेगी, जनता के खुद के क्या है मुद्दे और यूपी में कितना विकास हुआ है और क्या विकास रह गया है, इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज न्यूज 18 की टीम झांसी से जालौन की यात्रा करेगी बस में। बस में तमाम यात्री अलग अलग जिलों के होते हैं, उन सब से हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के अब उनके मन में क्या चल रहा है, एक बार फिर से उनको वोट की चोट करनी है। भाई साहब, एक बात हम आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, तो यूपी में कितना आपने बदलते देखा है पिछले 10 सालों में, क्या ऐसा लगा पूरा यूपी बदला आपके हिसाब से? यूपी तो काफी बदला है। क्या आपको लगा खास काम हुए? बहुत खास काम हुए, ऐसी बात नहीं है, सरकार ने मोदी जी ने बहुत खास काम किए। आपके लिहाज से क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कैसा होना चाहिए लोकसभा चुनाव, और कोई मुद्दा लगा कि बाकी रह गया? नहीं, वैसे अच्छा है, मोदी जी अच्छा है। आप चुनाव में वोट देने जाएंगे तो क्या लगेगा, किसको चुनना चाहेंगे, क्या चल रहा है आपके मन में? हमारे मन में यही है कि व्यवस्था ठीक चल रही है और देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आप युवा हो, क्या लगा कि रोजगार, नौकरी, व्यापार में कुछ सुधार दिखा? हाँ, रोजगार में सुधार है, सरकार ने काफी काम किया है। यार ये बताओ, थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं, आप युवा हो, कोई कमी दिखी पिछले 10 सालों में? कोई कमी नहीं, कमी तो मेरे को नहीं दिखाई दी, बट थोड़ा अगर रोजगार की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो क्या लगता है कि मोदी का काम कैसा रहा? मोदी जी का काम तो अच्छा रहा है, और डिजिटल इंडिया जो उन्होंने बनाया बहुत अच्छा, और जो अपना एक स्मार्ट हो रहा है, स्मार्टनेस की ओर जा रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे अपने परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो रोड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर बना दिया भाजपा ने जी, क्या कहेंगे राम मंदिर को लेकर के? वो भी एक जरूरी कार्य था, उचित समय उचित कार्य हो गया, तकरीबन 500 साल के बाद पूरा हुआ जी, तो कितनी खुशी है आपको? बेहद खुशी है, लगा था कि कभी राम मंदिर बन पाएगा, सोचा था आपने? नहीं नहीं, कभी कभी लगता ही नहीं था कभी इस विवाद का इस देश में कभी इस तरह की परिवर्तन आ सकता है। गीत के माध्यम से बता रहा हूँ बहन जी, आपको चुनाव में क्या करना है। ना घबराने ना शरमाने, ना घबराने ना शरमाने, ना बातनु में आउने। और क्या करने भैया, बहुत कीमती वोट आपको वोट डार भेजाने, बहुत कीमती वोट आपको वोट डार भेजाने। काहे के वोट की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत आंच नहीं सकता है, इसलिए एक वोट की कीमत को आपको बरकरार रखना कैसे। और वोट तुम्हारो बड़ो कीमती, वोट की कीमत जानू, आया समय सुहाना भैया ईखो तुम पहचानू, आया समय सुहाना भैया ईखो तुम पहचानू, और सब सभी को नेता भैया सत्ता में है लाउने। बहुत कीमती वोट आपको वोट डार वे जाने। कानून आया है, यूसीसी कानून आया है, नागरिकता संशोधन बिल, उस कानून को लेकर क्या कहेंगे और कितना सही बिल है? आप सीए कानून की बात कर रहे हैं, सीए कानून मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर कानून है। वो अल्पसंख्यक जो हमारे देश के अगल बगल के सराउंडिंग देशों में रह रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट से पीड़ित हैं और वो उस देश को छोड़ना चाहते हैं और वो भारत जैसे समृद्ध देश का नागरिक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कानून बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, वो वहाँ बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, जिसका मैं कोई शब्दों में नहीं बता सकता। अच्छा, विरोध भी तो हो रहा है? विरोध देखिए, ये भारत की राजनीति का एक दृश्य है, पक्ष की सरकार, वर्तमान की सरकार, सत्ता की सरकार कोई भी कानून लाएगी तो विपक्ष का ये मुद्दा ही है उस कानून का विरोध करना। विपक्ष अंदर अंदर जानता है कि ये कानून बहुत अच्छा कानून है, लेकिन उनके रग रग में बसा है कि हमें विरोध करना ही करना है। क्या मंदिर के मुद्दे पर राजनीति सही थी? नहीं, उसमें तो राजनीति सही नहीं थी उनकी, उनको बुलावा आया था, इसमें उनको जाना चाहिए था। तो क्या कहेंगे, क्या सोचती इनकी बजट, जैसे अखिलेश यादव ने मना कर दिया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं आई, तो क्या कहेंगे? वो देखो, उनका व्यक्तिगत मैटर, वैसे इसमें जाना चाहिए था उनको, और वो नहीं गए तो उनने ये गलत किया है। कानून व्यवस्था की बात की जाए यूपी की, गुलाम के लाया करिए आप, यूपी कानून व्यवस्था की बात की जाए तो 10 सालों में सुधार दिखा आपको, कितना सुधार दिखा? कानून बहुत अच्छा हुआ है,
10 सालों में बहुत सुधार हुआ है, मतलब यूपी का तो इतना बढ़िया सुधार हुआ है कि कानून मामले में अब कोई किसी को कोई डर नहीं है, चाहे जैसा रात में भी चला जाता आदमी, कोई लूटपाट नहीं होती है, मतलब हर तरीके से कानून व्यवस्था सुधरी है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, हम पे कैमरा बनिए, सुरक्षा की बात की जाए तो आपको कुछ याद है कि पिछले 10 साल में कितना सुरक्षित महिलाएं रहती हैं? ये तो मैं बोलूंगी कि मोदी के राज में हम महिलाओं तो सुरक्षित है, हम लोग नाइट में और दिन में सफर कर सकते हैं बेफिक्र होके, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। हाथी में कुछ देखा बदलते आपने? हाँ, काफी चेंज हुआ है, जैसे पानी की समस्या थी तो चेंजिंग हुई है, और रोड वगैरह है तो वो भी अच्छे बन गए हैं, और ओवर ब्रिज वगैरह भी काफी जगह, जैसे लोगों को सफर करने में परेशानी होती थी उसमें भी राहत है। पहले की अपेक्षा सुरक्षित महसूस कर रही? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि महिलाएं उनके राज्य में बहुत सुरक्षित हैं, लोग आराम से सफर कर पा रहे हैं, निडर होकर हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, इतनी हेल्पलाइन उन्होंने चला रखी है, यदि जरा भी हम लोग को परेशानी होती है तो हम लोग हेल्पलाइन का यूज करते हैं और उस पर एक्शन तुरंत होते हैं। लोकसभा चुनाव में आप ही वोट डालेंगे, क्या लगता है किसको आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए? आने वाला तो एक ही है, मोदी जी ही रहेंगे। क्यों ऐसा अच्छा लगा मोदी जी? ऐसा है कि देश उनका काम देख रहा है, पीएम बने हैं वो 10 साल से, मैं गुजरात से उनको फॉलो कर रहा हूँ, गुजरात में जैसा उन्होंने काम किया, मैं जब जा रहा था गुजरात पहली बार तब डर था थोड़ा कि दंगे वगैरह होते रहते हैं, वो सब एक हमारी धारणा थी, आज आप जाएं वहाँ पे रात को अकेले लेडीज अगर रात को 2 बजे भी निकल रही हैं फुल गहने वगैरह पहन के, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, उतना सेफ बनाया उन्होंने, तो वो ही चीज़ जब एक देश के लेवल पे करनी होगी तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा प्रोपेगेट होने में, तो वो अपनी कोशिशें पूरी कर रहे हैं। बाकी लगता है कि आप हिसाब से व्यापार में कुछ सुधार दिखा, व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं? जी, मैं खुद एक व्यापारी हूँ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी अच्छा हुआ है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह हैं, फंडिंग्स हैं, वो काफ़ी बड़ी हैं, और टैक्स से रिलेटेड या फिर नई कंपनी बनाना अब काफ़ी आसान हो गया है। तो हमारे साथ ये थे तमाम वो बस यात्री जो झांसी से जालौन और कानपुर तक की यात्रा कर रहे थे, मिली जुली प्रक्रिया सबने यात्रियों ने दी है, कहीं थोड़ी समस्या रोजगार को लेकर के है तो कहीं थोड़ी सी खुशी देश की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के है, देश के समग्र विकास को लेकर के है, और अब लोकसभा चुनाव की बारी है, अब यही वोट किसको देते हैं यात्री ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, तो हमारा सफर अब यही खत्म होता है।